बाबा रामदेव का नाम इतना सुना हमने, वो भी नहीं दिया, यहाँ जो इलाज मिला मैं बहुत खुश। सुनिए आपसे, मतलब जो और भी देश में हमारे इससे पीड़ित हैं जी, डायलिसिस लोगों को, कोई भी डायलिसिस ना करा के यहाँ चले आए ठीक हो जाएंगे? बहुत बढ़िया। हाँ मतलब एक जो डायलिसिस सबसे बड़ी इसमें एक हर्डल होता है, उसके उसके लिए तो बहुत बड़ा मतलब एक बेहद मतलब समझ लीजिए गॉड का जो है एक बूंद है इन लोगों ने क्रिएट किया है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। क्या संदेश देंगे उत्तर प्रदेश के जो मरीज हैं? मैं जाएंगे आपको जो किडनी वगैरह किडनी का क्रिएटिन वगैरह बढ़ता है तो इधर आ जाओ, डायलिसिस मत करो, इधर रहे तो हम जी सकते हैं। 14 दिन हो गया आज तक डायलिसिस नहीं हुआ 14 दिन में। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर और आज नेशनल खबर की टीम पहुंची है हिम्स हॉस्पिटल के लखनऊ ब्रांच में, जहां पर आज हम लाइव टेस्ट करेंगे या रियलिटी चेक करेंगे कि यहां पर जो डायलिसिस को बंद करने की बातें की जाती हैं कि डायलिसिस बंद हो जाता है, आप चाहे कितना भी सालों से आपकी डायलिसिस चल रही हो वो बंद हो जाती है, इसमें कितना सच है वो हम रियलिटी चेक करेंगे। और हम चल रहे हैं मेल थेरेपी एरिया में और डॉक्टर से बात करेंगे, वो पेशेंट से भी बात करेंगे। जी सर नमस्कार, नेशनल खबर में आपको स्वागत है। धन्यवाद नेशनल खबर जो हमारे आज लखनऊ कैंपस हिम्स हॉस्पिटल में मौजूद हैं, जो यहाँ का रियलिटी चेक करने आए हैं। जी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना परिचय दो। मेरा नाम है डॉक्टर प्रियंका विश्वास और ये हैं डॉक्टर पुनीत, और हम यहाँ पे आज हम अपना हॉट वाटर इमर्शन टब एरिया में यहाँ पे हैं, यहाँ पे थेरेपी चल रही है अभी, आप देख सकते हो यहाँ पे हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी बोलते हैं। हमें सर तो बताएंगे थोड़ा कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है, क्या तरीका होता है इसका? इसमें बेसिकली जो किडनी पेशेंट रहते हैं जी, उसमें हम टोटल 2 घंटे के लिए बैठाते हैं, चाहे तो आप 2 घंटे एक साथ बैठाइए, चाहे एक एक घंटे, एक घंटा मॉर्निंग एक घंटा इवनिंग बैठाइए। वाटर का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो अप्रॉक्सीमेटली 40 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। और पेशेंट जब भी बैठेगा पानी में तो कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं कि उसका जो वाटर में कितनी देर बैठना या कितनी डीप रहेगा पानी, वो अप्रॉक्सीमेटली इधर निपल्स के पास तक रहेगा। अगर कोई हार्ट का पेशेंट है या किसी का लीवर का कोई इशू है तो वो अपना नेवल तक पानी रखते हैं, ठीक है। 2 घंटे बैठते हैं, 2 घंटे बैठने में जो प्रिकॉशन रखना होता है वेट और बीपी, और अगर डायबिटिक पेशेंट है शुगर, ये 3 बैठने के पहले और निकलने के बाद ये चेक करना ज़रूरी है, बिकॉज़ कितना वेट उनका कम हो रहा है, बिकॉज़ ये एक तरह का हाइड्रोडायलिसिस है, आपका जो भी टॉक्सिन्स हैं बॉडी के वो सारा कुछ रिप्लेस होता है। एक चीज़ और सवाल है मेरा, ये सवाल है कि इसमें डायलिसिस की बात करते हैं, बहुत लोग के डायलिसिस में हफ्ते में 2 बार 3 बार होती है, किसी एक बार ही होती है, तो इसमें एक लास्ट कितना होता है, कितने सीरियस केस वाले भी पेशेंट आ सकते हैं क्या इसमें? सीरियस देखिए, जैसे आप देख रहे हैं सारे पेशेंट ऐसे बैठे हैं, किसी का ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं है, अगर आप ऑक्सीजन सपोर्ट पर नहीं है और आप चल फिर सकते हैं तो आप ये थेरेपी आराम से घर पर भी कर सकते हैं, ठीक है। बशर्ते आपको 2-3 चीज़ मॉनिटर करना है, वेट लॉस हो रहा है कि नहीं, किसी किसी जो एंड स्टेज रिनल डिसीज में रहते हैं जिनका एकदम आखिरी स्टेज है और उनका अगर यूरिन आउटपुट नहीं आ रहा है तो कई बार इसमें बैठने पे भी नहीं आता है, तो इन डैट केस आपको डायलिसिस अपना एक बार हफ्ते में एटलीस्ट अगर सांस फूलता है तो आपको करवाना चाहिए, ठीक है। और इन केस अगर सांस नहीं फूल रहा है, सारा कुछ चल रहा है और कई बार तो यूरिन जिसका 5-7 साल से नहीं आया है वो भी थोड़ा थोड़ा आना स्टार्ट हो जाता है, बट वो अपने को वेट करना होता है क्योंकि नेफ्रॉन को थोड़ा रिकवरी के लिए एटलीस्ट 2.5 से 3 महीने देना होता है। जी जी भैया, आप यहाँ पर कब से आए और कहाँ से आए हैं? अभी मुझे 5 डेज हुआ है यहाँ पे आए, मैं PGI रिटर्न हूँ। PGI में मुझे ट्रांसप्लांट के लिए बोला गया था, लेकिन मैं जब से यहाँ आया हूँ मुझे 50% से 60% रिलैक्स महसूस हो रहा है, मुझे काफ़ी रिलैक्स महसूस हो रहा है। 1 वीक का ये ट्रीटमेंट है, मुझे लगता है कि ये ट्रीटमेंट डायलिसिस से बेहतर है। तब तक आप डायलिसिस पहले आपकी हो रही थी क्या? जी जी, मेरी एक डायलिसिस हुई है, वो मेरा ट्रांसप्लांट के लिए मेरे बोल रहे थे, लेकिन मुझे पता चला जब हिम्स के बारे में, मैं जब से यहाँ आया हूँ मुझे डायलिसिस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी आफ्टर 1 वीक। जी जी, बहुत बढ़िया है, तो अच्छी बात है, ये तो बहुत उम्दा काम आप लोग कर रहे हैं कि डायलिसिस जो बोला जाता है कि कभी बंद नहीं हो सकती है, तो डायलिसिस लोग बता रहे हैं कि 50% तक रिकवर है। वैसे मैं आपसे एक और सवाल है कि कितना सक्सेस रेट क्या है, जैसे कि सपोज दैट 100 मरीज आ गए, कितने लगभग कितने परफेक्ट होकर जाते हैं? 100 में से अप्रॉक्सीमेटली 70-80% रहता है, 10-20% ऐसे भी रहते हैं जिसमें थोड़ा सा
समय ज़्यादा लगता है बिकॉज जैसे क्या है बॉडी टू बॉडी इसका रिस्पॉन्स डिफरेंट है ठीक है, और नेफ्रॉन्स जो सबके ग्रोइंग जो ग्रो होती है वो भी समय किसी का जल्दी होता है किसी का देर में होता है जी ठीक है, वो तो अपने को आफ्टर 3 मंथ जब हम इन्वेस्टिगेशन कराते तभी पता चलता है कितना रिकवर हो रहा है। और इसमें हम एक और जाना है कि क्या कोई दवाइयाँ वगैरह भी देते हैं आप इसमें? नहीं, पानी केवल प्लेन वाटर है एट 40 डिग्री जो नेचुरली इनकी बॉडी का जो टॉक्सिन्स है उसको रिमूव करता है। जी जी, आप सर आप कहाँ से आए थे? मैं झारखंड बोकारो स्टील सिटी से आया हूँ जी। मेरा क्रिएटिनिन लेवल 11.2 था और वहाँ नेरोपैथी में डायलिसिस के लिए बोला गया था या ट्रांसप्लांट के लिए, मैंने कराया नहीं था, मैं सीधा यहाँ चले आया हूँ। मेरा मुँह का टेस्ट चला गया था, कुछ भी खाता था उल्टी होता था, अभी मात्र 1.5 दिन हुआ है, 2 दिन हुआ है, मैं खाना पीना मेरा ठीक हो गया है, उल्टी भी नहीं आ रही है। आपको अब उम्मीद है कि आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे? मैं पहले से उम्मीद से था तभी तो यहाँ चले आया। अच्छा, नहीं आपसे मतलब जो और भी देश में हमारे इससे पीड़ित हैं जी डायलिसिस लोगों को कोई भी डायलिसिस ना करा के यहाँ चले आए ठीक हो जाएंगे। वाह बहुत बढ़िया। आप मैडम कुछ कहेंगी? जी देखिए, यहाँ पे आप एक तो थेरेपी देख रहे हैं, इसके साथ साथ हमारा डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जी। तो ये पेशेंट्स को आप पूछ सकते हो, हम यहाँ पे डाइट भी अलग तरीके से देते हैं। रुकूंगा आपको, बात आपने डाइट की, बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है किडनी डायलिसिस के मरीजों को डाइट की, कि डॉक्टर विश्वरूप जी या आचार्य मनीष जी भी बोलते हैं फ्रूट्स खाओ, DIP डाइट लो, लेकिन इसमें तो वाटर लेवल ज़्यादा होता है और इसमें पानी की मात्रा साथ कम रखना पड़ता है डायलिसिस, तो इसमें क्या डाइट देते हैं आप? नहीं, डाइट में हम फ्रूट्स स्प्राउट्स ये चीज़ें ही देते हैं। देखिए, आपका फ्रूट्स ज़्यादातर मना किया जाता है पोटेशियम और सोडियम ये सारा डिसबैलेंस होने की वजह से, बट हम जब यहाँ पे किसी भी तरह का एनिमल प्रोटीन नहीं देते हैं तो कोई भी सोडियम पोटेशियम या इलेक्ट्रोलाइट्स का डिसबैलेंस नहीं होता है। तो हम डाइट में मेनली फ्रूट्स, और आप देख सकते हो अगर हम आप टाइम ब्रेकफास्ट टाइम पर आप आओगे तो हमारे सारे पेशेंट्स को हम सीजनल फ्रूट्स ही देते हैं, साथ में स्प्राउट्स देते हैं, और इसके अलावा हम इनका अनाज चेंज करते हैं, गेहूँ चावल हम बंद करवा देते हैं, उसकी जगह पे हम मिलेट्स देते हैं, मिलेट से ही प्रिपेयर्ड जो भी इनको डिश मिलती है सारी मिलेट से प्रिपेयर्ड डिश ही मिलती हैं। जी जी सर, अब आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो पेशेंट है ठीक, डायलिसिस तो ठीक होती होती है, क्या इसके साथ और भी कोई डिजीज़ हो उनका एक्स्ट्रा, जैसे किसी डायबिटीज़ है, किसी फैट बहुत ज़्यादा है, किसी घुटने में पेन, क्या वो सब चीज़ भी रिकवर? सारा कुछ रिकवर होता है बिकॉज जब हम पानी में बैठते हैं हमारा मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करता है, और डायबिटीज़ के पेशेंट से अगर आप मिलते तो उनका तो इवन अगर 15-20 साल से इंसुलिन भी लग रहा है, 1 से 2 दिन में धीरे धीरे टैपर डाउन स्टार्ट हो जाता है। वाह, ठीक है, बहुत ऐतिहासिक चीज़ें हैं कि मतलब से पानी में बैठने से डायबिटीज़ भी सही हो रहा है, नी पेन भी सही हो रहा है, मोटापा भी कम हो रहा है, सबसे बड़ा चीज़ डायलिसिस भी सही हो रहा है। एग्जैक्टली। चलिए और लोगों से हम बात करते हैं, इसमें साथ में हैं हमारे, अभी आप कहाँ से हैं? मैं बाराबंकी से। बाराबंकी जी। डायलिसिस आपको चल रही थी? हाँ, हफ्ते में। कितने साल से? 1.5 साल से चल रही है। कितना? हफ्ते में दो बार। और जब से यहाँ एडमिट हुए तब से क्या है? अभी अरे 4 दिन हो गए तो अभी डायलिसिस की नीड नहीं है लगी। हाँ, कोई डायलिसिस नहीं, कोई दवा नहीं, कुछ नहीं हुआ? नहीं, दवा तो मेरी चल रही है अभी बीपी की। अच्छा, बीपी की दवा चल रही है। और इसमें बैठने में कोई दिक्कत तो नहीं होती? नहीं, दिक्कत 40 डिग्री वाटर में सर्दियों में तो मतलब बैलेंस हो जाता है। जी जी जी। और जिस तरह आप ये बोलिए, जैसे आपका आपकी तरह और भी मरीज हैं उत्तर प्रदेश में लखनऊ के आसपास, उनके लिए आप क्या कहेंगे? हाँ, मतलब एक जो डायलिसिस सबसे बड़ी इसमें एक हर्डल होता है, उसके लिए एक तो बहुत बड़ा मतलब एक बेहद मतलब समझ लीजिए गॉड का जो है एक बून है इन लोगों ने क्रिएट किया है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। बहुत बढ़िया, मुझे आराम है मतलब। हाँ, उम्मीद है मुझे कि डायलिसिस बंद हो जाएगी 2-3 महीने में। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ इन्होंने बताई, आप लोग को बधाई कि आप ऐसा चीज़ इन्वेंशन किया आपने, डॉक्टर विश्वरूप जी ने, आचार्य मनीष जी ने, सब ने मिलकर ऐसा किया। और इसमें एक चीज़ और हम जानना चाहते हैं, काफ़ी मरीज ऐसे आते हैं जिनकी डायलिसिस नहीं हो रही होती है, क्रिएटिनिन बढ़ा होता है, क्या उनको भी एडमिट होना पड़ता है कि उनको सिर्फ घर से ही डाइट से हो जाता है? नहीं, फर्स्ट 7 डेज या 10 डेज जो हम एडमिट करते हैं वो इसके लिए नहीं कि उनका क्रिएटिनिन कम होगा, हम तो इसलिए कर रहे हैं कि हमारी मेडिसिन का और थेरेपी से उनकी बॉडी पर क्या रिस्पॉन्स है, देन फिर उसी अकॉर्डिंग हम प्लान करते हैं कि आपका आगे का ट्रीटमेंट ऐसे चलेगा, ताकि आप 1 मंथ के बाद जो फॉलोअप लीजिए तो देखते हैं क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, प्लस ये ऐसा नहीं कि यहाँ थेरेपी कर दिया अब ये ठीक है, ये एक तरह का इनको सिखाया जा रहा है कि आप कैसे आगे जीना है। ठीक है, इसीलिए जैसे हमारा ये घर में भी कंटिन्यू, हाँ कंटिन्यूसली घर पे भी इसको फॉलो करना है। ठीक है, तो वैसे बेसिकली कितने दिन में लगभग स्टेबल हो जाता है किसी की डायलिसिस? ऐसा नहीं कि यहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा स्टार्ट हो जाए? नहीं नहीं, डायलिसिस ऐसा नहीं कि अचानक से बंद करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी का हफ्ते में 2 हो रहा है तो पहले उसको बढ़ाना है 5 डेज पे या 7 डेज पे एक कराएगा।
थोड़ा सा बॉडी उसको स्टेबलाइज करेगी, उसके बाद धीरे धीरे उसको 15 डेज पे करवाना होगा, फिर आगे रिक्वायरमेंट पड़ेगा एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है। अगर मंथली एक रिक्वायरमेंट पड़ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप ये थेरेपी करते रहेंगे, आपका पर डे अप्रॉक्सीमेटली किसी का 300 किसी का 400 ग्राम के एज पर वेट लॉस होता है, ठीक है। और यही आप करते हैं डायलिसिस में भी, 1 से 1.5 लीटर 2 लीटर पानी निकालते हैं 3 दिन पे, लगभग लगभग उतना कवर हो जाता है। अच्छा, ये जो इक्विपमेंट लगे होते हैं टेक्निकल पार्ट सारे, जी जी, क्या लगे होते हैं इस बारे में बताएंगे थोड़ा, क्या होता है सर आप बताएंगे क्या है? सर ये बेसिकली आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि जैसे दो गीजर लगे हुए हैं, एक गीजर जो है अपना ये टेम्परेचर कंट्रोल पैनल से अपना ये कनेक्टेड है, और एक जो है ये डायरेक्ट गीजर है, इसमें एसी मोड आता है, और इसमें जो आप मोटर देख रहे होंगे ये डीसी मोड की मोटर होती है, ठीक है। तो जब हम पानी को गर्म करना होता है जल्दी में तो हम ये दोनों गीजर ऑन कर देते हैं, उसका जब पेशेंट को बैठाना होता है तो ये वाला गीजर ऑफ कर देते हैं जो कि एसी मोड में है, जो डीसी मोड में गीजर हम उसको ऑन रखते हैं जो कि यहाँ टेम्परेचर पैनल से यहाँ पे कनेक्टेड रहता है। ये टेम्परेचर पैनल जैसे ही 40 डिग्री तक पानी का टेम्परेचर पहुँचता है अपने आप ऑटो कट हो जाता है, और जैसे ही फिर पानी का टेम्परेचर 38 से नीचे जाता है फिर से ऑटो मोड में ऑन हो जाता है। बैलेंस अपने आप करता है, चूंकि इसमें डीसी मोटर है तो डीसी मोटर करंट का कोई भी इसमें चांसेस नहीं रहते। स्टार्टिंग गर्म कितना करते हैं आप बैठने पहले? 40 डिग्री तक ले आते हैं। अच्छा, लेकिन विश्वरूप जी ने या मनीष जी ने हमारी बात हुई थी, उन्होंने बोला कि 30 में गर्म करो बैठ लो फिर 40 कर लो, कि एक साथ 40 में नहीं बैठ पाते। उसमें देखिए क्या होता है, पेशेंट टू पेशेंट वो करता है डिफर, जैसे जो वीक पेशेंट हैं उनको पहले कम टेम्परेचर पानी में और कम लेवल ऑफ पानी में बैठाया जाता है, ठीक है। जैसे जैसे उनकी आदत बढ़ती जाती है, जैसे जैसे उनका मतलब उसके लिए हैबिचुअल होते जाते हैं, फिर हम उस तरह से उनको 38 से 40 डिग्री के बीच में लेके आते हैं। ठीक ठीक, हम और सर से बात कर लेते हैं, आप कहाँ से हैं? मैं सोलापुर महाराष्ट्र से आया हूँ। तो 5 बरस मैंने डायलिसिस नहीं किया था, एक बार डॉक्टर ने बताया कि आपको डायलिसिस करना पड़ेगा, आपका क्रिएटिन 70 बढ़ गया है, इसके वास्ते मुझे प्रेशर से उन्होंने किया, वो मैं विश्वरूप का देखकर इधर आया हूँ। अभी मुझे एक दिन हो गया है, पंचकर्मा वगैरह हो गया, सब अच्छा लग रहा है मुझे, मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं यहाँ से नीट होकर जाऊँगा। कितनी उम्र है आप, एज कितनी है? 63 है मेरा। 63 है, हाँ। और डायलिसिस अभी नहीं हो रही? अभी डायलिसिस नहीं है। ठीक है, और मरीजों को आप क्या संदेश देंगे, उत्तर प्रदेश के जो मरीज हैं? मैं जाएंगे आपको जो किडनी वगैरह, किडनी का क्रिएटिन वगैरह बढ़ता है तो इधर आ जाओ, डायलिसिस मत करो, इधर है तो हम जी सकते हैं बहुत दिन से। बहुत बढ़िया, आपने चीज बोला आपने, जाए तो डायलिसिस जीवन आपका बढ़िया बढ़िया सुधरता है। जी जी जी, सर और कुछ जानकारी देंगे जो हमने ना पूछा, बहुत से सवाल हो सकते हैं साथ हमें ना मालूम। एक्चुअली केवल यही एक थेरेपी नहीं है जो आपको करना है किडनी के लिए, टोटल 4-5 थेरेपीज हम लोग जब एडमिट करते हैं तो कराते हैं, जो कि इनिशियल डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ज़रूरी रहता है, बॉडी के टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए। इसके साथ साथ बहुत एक इम्पॉर्टेंट है, आप हेड डाउन टिल्ट जो कराते हैं हम लोग, उसमें पेशेंट को 10 डिग्री या 5 डिग्री पे हम लोग लेटाते हैं, और बीपी मॉनिटर करने के बाद, ठीक है, आफ्टर डैट करीब 40 मिनट हम उसमें लेटाते हैं। उससे क्या, जो भी इनका फ्लूइड है, जनरली किडनी पेशेंट में नीचे लोअर लिम्ब में स्वेलिंग ज़्यादा आती है, ठीक है, तो उसको लेटाते हैं ताकि फ्लूइड जो है वो एक एब्डोमेन की तरफ मूवमेंट स्टार्ट हो। ये जो थेरेपी है इसके बाद धीरे धीरे इनका यूरिन का आउटफ्लो बढ़ जाता है। अभी हम आपको दिखाते हैं अपना जो हेड डाउन टिल्ट का एरिया है। जी जी, चलते चलते एक और इनसे भी बात कर लेते हैं, आप कहाँ से हैं? सर मैं बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अच्छा, डायलिसिस अभी चल रही थी पहले? जी। कितने साल से? डेढ़ साल हो रहा। डेढ़ साल से जी। कितनी बार होता था महीने में? पहले 3 बार होता था, अब 2 बार हो रहा है, मगर यहाँ आके मुझे 4 दिन हो गया, अभी डायलिसिस नहीं हुआ और कोई दिक्कत भी नहीं है, आराम है। चलिए बहुत बढ़िया जी, जल्दी आप स्वस्थ हो जाएंगे। जी जी जी, चलिए अब आपको हम हेड डाउन एक थेरेपी हेड उसका हम दिखाते हैं वो कैसे होता है। सर आप बताइए हम अभी किस डिपार्टमेंट में हैं, किस में? ये हमारा हेड डाउन टिल्ट एरिया है, जहाँ पे जो हमारी डेली जो थेरेपी होती है उसमें से वन ऑफ द थेरेपी ये हेड डाउन टिल्ट की है, जिसमें हम पेशेंट को 10 डिग्री पे लिटाते हैं, जिसमें लेग जो है वो 10 डिग्री अप रहता है, हेड डाउन रहता है। इससे क्या है, जो भी फ्लूइड है वो धीरे धीरे हमारा अपर बॉडी की तरफ स्टार्ट होता है मूव करना, ठीक है। और बट किसमें नहीं करना है ये थोड़ा सा ज़्यादा जरूरी जानना, किसको नहीं करना है, जिसका कोई अगर प्लूरल इफ्यूजन हो रहा है, अगर फेफड़े में पानी ज़्यादा है, या अगर कोई हार्ट का पेशेंट है, तो उस कंडीशन में हम इसको थोड़ा सा प्रिकॉशन पे लेके ध्यान देके तब करवाते हैं, या तो 5 डिग्री करवाएंगे या तो नहीं करवाएंगे, ठीक है। बिकॉज
उसमें चेस्ट में थोड़ा सा जाने से कई बार ब्रेथलेसनेस आती है, तो कोई ना कोई एक अटेंडेंट या उनके घर का रिलेटिव थोड़ा ऑब्जर्व ज़रूर करता है। अगर पेशेंट घबराहट लग रही है तो आप उनको तुरंत उठा दीजिए। ठीक है, ये भी किडनी के लिए बेसिकली। हाँ, ये बेसिकली किडनी के लिए। अच्छा, तो कहाँ सर आप कहाँ से हैं? हम आए हैं प्रयागराज मेजा से। किडनी की दिक्कत थी आपको? जी। अभी कैसी स्थिति है? अब ठीक है। अच्छा। अभी दो दिन हुआ हमको। डायलिसिस तो नहीं हो रही? अभी डायलिसिस नहीं हो रहा। चलिए बहुत बढ़िया। आप कहाँ से आए थे? एमपी से सर। एमपी में। अच्छा, आपको क्या किडनी की दिक्कत? किडनी की दिक्कत। अभी कैसा है स्थिति? ठीक है सर। आराम है? आराम है। आप इलाज? जी सर, जी सर। चलिए बहुत बढ़िया। आप कहाँ से हैं? सीतामढ़ी से, बिहार से। बिहार से। आपको क्या? किडनी प्रॉब्लम। आराम है अभी? हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं होती? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया। आप सर कहाँ से? अम्बेडकर नगर से आए। अच्छा, अम्बेडकर नगर से। अभी आराम है इलाज से? आराम है। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भी मरीजों से बात कर रहा हूँ सबको आराम था। आप मैडम कहाँ से हैं? सिवान जिला से आए। अभी आराम है आपको? हाँ, किडनी की दिक्कत थी। चलिए बहुत बढ़िया। जिस तरह रिव्यू में देख पा रहा हूँ कि बिल्कुल ही आराम है। आप कहाँ से हैं मैडम? नेपाल। जी, नेपाल से। बहुत बढ़िया, नेपाल से भी लोग आ रहे हैं। हालांकि इंडिया ही है वो, तो आपको कैसा लग रहा है ट्रीटमेंट करवा कर? किडनी की प्रॉब्लम। किडनी की? अभी आराम है, रिलैक्स। ठीक है। डायलिसिस तो नहीं हो रही अभी? कुछ कहेंगे आप नेपाल वालों के लिए कुछ कहेंगे जो वहाँ और भी लोग हैं आप जो और जिसको किडनी की दिक्कत होगी? अच्छा, हिंदी प्रॉब्लम है। कोई नहीं, आप हिंदी आप समस्या है, फिर मैं समझ गया आपकी भावनाएं कि आप संतुष्ट हैं इस चीज़ों से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार मीडिया कर्मचारी को, इसलिए कि आपके द्वारा इतना अच्छा कार्य अरे मैं एक्सप्लेन नहीं कर, मैं समझ सकता हूँ जो आदमी बीमारी से निकल रहा होता है। मैं भेलोर जो आपका तमिलनाडु में है सीएमसी, वहाँ भी गया था, लेकिन मुझे अच्छा इलाज नहीं मिला। बाबा रामदेव का नाम इतना सुना हमने, वो भी नहीं दिया। यहाँ जो इलाज मिला मैं बहुत खुश हूँ। बस आप चिंता मत करें कि आप और सभी को सही सही आइए और यहाँ इलाज कराइए। ये झूठ नहीं बोलते हैं, जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और भगवान करे ये तरक्की करे सभी की सेवा। आप कहाँ से हैं? मैं झारखंड से आया हूँ। झारखंड से? मैं बहुत दुखी था कि क्या मैं ठीक हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा, लेकिन यहाँ एक दिन का ट्रीटमेंट से मैं इतना अच्छा हो गया हूँ, 60%। जी जी जी। चलिए और कुछ लोगों से हम देखते हैं, और भी कुछ लोग हैं उनसे भी बात कर लेते हैं कि उनके क्या रिव्यूज़ थे, कैसे थे। आप कहाँ से आए हैं भाई? सर मैं डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत से आया हूँ, और सर अभी मेरी डायलिसिस कोई नहीं हुई है। हफ्ते में दो बार डायलिसिस होती थी। कितने साल से? ये सर 6-7 महीने से चल रहा था। अच्छा। हाँ, जब से यहाँ आया हूँ कोई डायलिसिस की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। और दूसरी चीज़, मैं जब सांस लेता था तो मतलब ऐसा बलगम की खर खर की आवाज़ आती थी, वो भी सर मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है यहाँ आने से। बिल्कुल सही महसूस कर रहा हूँ सर, ना पैरों में स्वेलिंग आई है, बिल्कुल सही हूँ सर। गवर्नमेंट पैर भी इनके आप दिखा दीजिए थोड़ा, देखिए सब बिल्कुल फिट है, पतले हैं, स्वेलिंग भी नहीं कहीं, मतलब सब मिलाकर बिल्कुल सर सही। बहुत अच्छा सर इलाज है। मैं समझता हूँ जिसको भी प्रॉब्लम है उसे एक बार यहाँ जरूर आना चाहिए। जी। आप कहाँ से हैं सर? सर मैं बिहार से हूँ। मेरा क्रेज बिहार मधुबनी डिस्ट्रिक्ट। मधुबनी से। आपको क्या डायलिसिस चल रही थी? जी, डायलिसिस चल रही थी। ये मेरा 6-7 महीना से चल रही थी। कितने बार महीने में? हफ्ता में एक बार चल रही थी डायलिसिस। जब से यहाँ से आए हैं आज 6th दिन है, 14 दिन हो गया आज तक डायलिसिस नहीं हुआ 14 दिन में। वाह, बहुत बढ़िया है। तो कुछ कहेंगे आप दर्शकों के लिए हमारे? सर ये मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये कमेटी बहुत अच्छी है, डॉक्टर यहाँ बहुत अच्छे हैं, इससे बेटर इलाज कोई हिंदुस्तान में नहीं है सर। यहाँ आके हमको बहुत संतुष्टि मिला है। चलिए आपकी बात सुनकर और भी जो लोग पीड़ित होंगे और ज़रूर आएंगे और यहाँ से ट्रीटमेंट जरूर लेंगे। जी, ऐसा लगता था उम्मीदें सब बंद हो गई थी, लेकिन सर यहाँ से एक नई उम्मीद जाग गई है सर। चलिए, जिस तरह आपकी उम्मीद जगी है, हो सकता है कि और भी लोगों की उम्मीद जगेगी। आप सर? मैं फर्रुखाबाद से हूँ, और मैं पिछले शुक्रवार को डायलिसिस कराने के बाद यहाँ शनिवार को आया था, तो वीकनेस महसूस कर रहा था, पहले से काफ़ी बेटर महसूस कर रहा हूँ।
और कब तक चलते थे? डायलिसिस हमारी हफ्ते में दो बार चल रही थी। अभी नहीं हुई? हाँ अभी नहीं हुई है, मंगलवार और शुक्रवार को होती थी। दिक्कत भी नहीं हो रही है? हाँ दिक्कत अभी तक तो नहीं है, आगे की नहीं, आगे की भी नहीं होगी, होनी चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया। और भी जो आपके देश प्रदेश के लोग हैं उनको कुछ कहेंगे? हाँ ये और लोग और अस्पतालों से तो बेटर है और अच्छा इलाज मिलता है यहाँ। जो थेरेपी होती है दो तीन तरह की, वाटर थेरेपी है, पंचकर्मा थेरेपी है, तो ये सब जो है उत्तम परिणाम देते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी आप सही हो जाएंगे यही उम्मीद है।